आज का वीडियो बहुत खास है। आज आपको बता रही हूँ कि कैसे पहचाने कि शुक्र ग्रह आपका खराब है और आपको उसके उपाय की ज़रूरत है। शुक्र ग्रह आपको पीड़ा दे रहा है। आप अपने जीवन में घटित इन बातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से कि आपका शुक्र कुंडली में खराब है। अगर आपकी कुंडली नहीं है तो ये उपाय आपके लिए बहुत आसान होगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आप ज्योतिषीय सलाह भी मुझसे ले सकते हैं, बिना कुंडली के भी मैं परामर्श देती हूँ। बिना कुंडली आपको अगर अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, कुंडली नहीं पता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना भविष्य जान सकते हैं। पूरे प्रोसीजर के लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी हुई होती है, उसके थ्रू आप संपर्क करें। हम फ़ोन पर किसी को भी परामर्श नहीं देते हैं। हमारे नाम से यदि कोई पैसा लेता है तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि हम कभी भी फ़ोन पर बात करने के लिए किसी से भी पैसा नहीं लेते हैं। तो इसलिए पूरा आश्वस्त होकर सही तरीके से सही प्रोसीजर को ही अपनाइए। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जिन लोगों का शुक्र खराब होता है, सबसे पहली चीज़ उनको कामुकता वाली विचारों में बहुत मज़ा आता है। उनसे कोई और बात हो ना हो, अश्लील और भद्दी बातें करना, अच्छी चीज़ों में से भी गंदी चीज़ों को ढूंढना उनको बड़ा प्रिय होता है। तो उन्हें समझ लेना चाहिए कि उनका शुक्र खराब है। शुक्र कई बार बहुत ज़्यादा पावर में भी होता है। तो कोई भी ग्रह बहुत पावर में होना या बहुत कमज़ोर होना, दोनों ही स्थिति अच्छी नहीं मानी गई है। जिनका शुक्र बहुत एक्स्ट्रा पावर में हो जाता है तो वो भी इस तरह का चिंतन करते हैं, तो वो भी किसी भी दृष्टि से शुभ स्थिति नहीं कही जा सकती। क्योंकि एक शुक्र से मतलब वही शुक्र आपको मालामाल भी कर सकता है और वही शुक्र आपको दरिंदगी में भी धकेल सकता है। जो लोग जितने गंदे काम करते हैं उनका भी शुक्र बहुत ख़राब होता है, और वही शुक्र अगर वो सही दिशा में लगाएं तो वो राजा तुल्य वैभव को भी भोग सकते हैं। तो क्यों नहीं भोग पाते अच्छा शुक्र होने के बाद भी लोग? क्योंकि उनका शुक्र इस तरह की हरकतें उनसे करवाता है जो मैंने अभी आपको बताई और अब बता रही हूँ। किसी भी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करना, उसको कामुकतापूर्ण नज़रों से देखना गंदे शुक्र को दर्शाता है। प्राय ऐसे लोग प्रतिदिन स्नान नहीं भी करते हैं, लेकिन कई कई केस में हमने देखा है बहुत ज़्यादा साफ सुथरा रहने की भी आदत होती है, और ऐसे लोग भी बहुत फ्लर्टी टाइप के होते हैं। स्त्रियों को पटाना, स्त्रियों को फंसाना उनका मुख्य उद्देश्य रहता है, और ऐसा करने से शुक्र का भयंकर दंड उनको भोगना पड़ता है। कई लोग आजकल सुझा रहे हैं कामदेव की उपासना करो, तो कामदेव की उपासना भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। इस तरह से कामदेव काम के देवता हैं, जिनको शिव जी का वरदान मिला था कि वो स्थायी रूप से एक मनोभाव के रूप में प्रत्येक मनुष्य में स्थापित रहेंगे। तो काम भावना का उद्गम संतानोत्पत्ति के उद्देश्य से किया जाता है, वंश वृद्धि के उद्देश्य से किया जाता है, वहीं तक उसकी सार्थकता है। जब पर स्त्री पर नारी को देखकर कामुकतापूर्ण और भद्दे विचार किसी मनुष्य के अंदर आते हैं तो वो साक्षात कामदेव का श्राप भुगतते हैं, कामदेव का भी वो अपमान करते हैं, और ऐसे मनुष्यों के साथ कभी भी जीवन में तरक्की, प्रसिद्धि और पैसा उनके पास नहीं आ सकता। बहुत विध्वंसक मौत भी ऐसे लोगों की होती हुई हमने देखी है। ऐसे लोगों को गवर्नमेंट का पनिशमेंट भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो लोग गंदे कामों में हमेशा से लिप्त रहते हैं। तो जिनको अपने शुक्र को अच्छा करना है, इस तरह के गंदे विचारों को अपने मन में भूलकर भी स्थान ना देवें। स्त्रियों का सम्मान करें, पत्नी के अतिरिक्त अन्य स्त्री को मातृतुल्य, पुत्री तुल्य या बहन तुल्य समझें। किसी भी स्त्री की आप सहायता करते हैं, उसको अपशब्द नहीं बोलते हैं, उससे भी आपका शुक्र अच्छा हो सकता है। यहां तक कि अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करना, उसको टॉर्चर करना गंदे शुक्र को दर्शाता है। किसी व्यक्ति को अपनी पत्नी फूटी आंख नहीं सुहाती और पर स्त्री की तरफ वो लोलुप भरी दृष्टि से देखता है, तो ऐसे तो व्यक्ति का तो शुक्र बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि पत्नी से नफरत करते ही उसका शुक्र खराब था, नहीं था तो भी खराब होना चालू हो जाएगा। तो यदि शुक्र अच्छा करना है तो कभी भी अपनी पत्नी के मीन में मत निकालो, पत्नी का अपमान मत करो। पत्नी गलत है तो अलग बात है, पत्नी गलत है और आप समझाने की दृष्टि से कुछ बोलते हो तो अलग बात है, और उसका भी एक कायदा और तरीका होता है। किसी भी मनुष्य को सताने का आपको कोई अधिकार नहीं है, स्पेशली आपकी पत्नी को दुर्वचन बोलने का भी आपको कोई अधिकार नहीं होता है। जब इस तरह की वार्तालाप आप करते हो, गंदे वचन बोलते हो, तो अपने शुक्र को ही आप खराब करते हो। तो इस तरह से आप पत्नी का बुरा नहीं कर रहे, अपना ही शुक्र खराब कर रहे हो, क्योंकि आपका शुक्र खराब हुआ तो गए आप काम से, आपके पास ना पैसा होगा, पैसा होगा तो बर्बाद हो जाएगा, अगर होगा तो वो बीमारियों में खर्च होगा, तरह तरह की परेशानी आपके जीवन में आएंगी, अपयश आएंगे, आपको तरह तरह से कोसा जाएगा, आपको जिसको बोलते हैं हर तरफ से आपकी जिसको बोलते हैं निंदा होगी। तो इसलिए शुक्र को अच्छा करने के लिए स्पेशली पुरुषों के लिए ही आज का वीडियो है खासकर, तो इस तरह के एटीट्यूड को आप नहीं अपनाएं। स्त्रियों के वीडियो भी अलग से बनाऊंगी जिसमें बताऊंगी कि स्त्रियों को भी किस तरह से अपने शुक्र को अच्छा करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए और क्या करने से पता लगाएं कि आपका शुक्र बुरी तरह से खराब है। इसके अलावा ऐसे पुरुषों को प्राय स्नान का भी शौक नहीं होता है, कोई ना कोई नशा करते हैं वो लोग फूहड़ चीज़ों में एंजॉय करते हैं, उनको बड़ा मज़ा आता है। इसके अलावा उनके जो टॉवल हैं अक्सर गंदे होते हैं, डेली टॉवल नहीं धुलते हैं। इसके अलावा उनके बनियान, अंडर गारमेंट भी बहुत गंदे रहते हैं, उनमें कहीं ना कहीं कोई विकार होता है, या तो वो फटे हुए होते हैं या फिर वो प्रॉपर तरीके से धुलते नहीं हैं।
नहाते ही तुरंत नहीं धोते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी पहचान है कि नहाते ही तुरंत अंडर गारमेंट साफ़ तरीके से नहीं धोकर सुखाना भी खराब शुक्र को दर्शाता है। इसके अलावा बेडशीट्स पर सल पड़े हैं, वैसे ही बैठे हैं, कहीं भी बैठ गए हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं तो औरतों को घूर रहे हैं, ईव टीसिंग कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से शुक्र बहुत ज़्यादा आपको बर्बाद करता है।